ढंग का काम एक भी चाक घाट में डेवलपमेंट से रिलेटेड अभी तक मुझे नहीं दिखाना इस रोड में। इस रोड को एक बार नहीं दो बार बन जाना चाहिए था अब तक तो। अगर जो जनसेवक है वो व्यापारी नहीं होना चाहिए, उनको तो पैसा भी नहीं कमाना है राजनीति में, तो वो काम क्यों करेंगे। ये बहुत बड़ी कमी देखी जा सकती है कि चाक घाट जैसी प्रॉमिसिंग जगह में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग भी जागरूक नहीं है। एक अच्छी चीज है कि लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है ये पोल्स में। कितनी शर्मनाक बात है, ये चाक घाट की तस्वीर है जो एक साल बाद की है। एक साल पहले भी ऐसी ही थी जिसकी रिपोर्टिंग मैंने किया था। मैंने दिखाया था कि चाक घाट कितना अंधेरा है चाक घाट में और यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं। लेकिन वाकई में यहाँ के जो भी नेता हैं बहुत ही बेशरम टाइप के हैं। ढंग का काम एक भी चाक घाट में डेवलपमेंट से रिलेटेड अभी तक मुझे नहीं दिखाना इस रोड में, ना इस रोड की कंडीशन में, ना इन पोल्स में। ये पोल भी वैसे ही है। कुछ लाइट्स जरूर जलने लगी हैं लेकिन देखा जाए तो 50% अभी भी बंद है। एक साइड की किसी में जलती है, किसी में दोनों साइड की नहीं जलती है। रोड में वैसे ही ट्रक खड़े हैं, आज थोड़ा कम खड़े हैं, नहीं पहले तो ज्यादा ही परेशानी होती थी। इस रोड को एक बार नहीं दो बार बन जाना चाहिए था अब तक तो। अगर भ्रष्टाचार भी करना है तो आप ये रोड तो बना दो, कम से कम कुछ तो उसमें खाने को मिलेगा। काम नहीं करेंगे आप तो ठीक है, व्यापार में ही खुश हैं सब लोग, तो इसीलिए जो जनसेवक है वो व्यापारी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इस तरह की समस्याएं रहेंगी क्योंकि उनको तो पैसा भी नहीं कमाना है राजनीति में, तो वो काम क्यों करेंगे। और कमाएंगे भी तो ज्यादा मोटा, जिसमें पैसा मिलेगा उसमें करेंगे। मूलभूत सुविधाओं में थोड़ी ना बहुत पैसा मिलता है। सड़क बनवाएंगे कितना भी बढ़िया बनवा लें, एक लिमिट में कमाएंगे। लेकिन अगर सरकारी जमीन का सौदा करते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को देते हैं या धांधलेबाजी करके सरकारी जमीनों पर कब्जा करवा लेते हैं, तो उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। और शायद कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के समय में ये बहुत बड़ी कमी देखी जा सकती है कि चाक घाट जैसी प्रॉमिसिंग जगह में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बहुत आश्चर्यजनक बात है क्योंकि व्यापारियों को तो खुद ही यहाँ डेवलपमेंट करना चाहिए, उनका ही व्यापार है। अब अगर रोड की वजह से कोई यहाँ नहीं आएगा, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के लोग भी जागरूक नहीं है। नहीं तो चाक घाट जैसा मार्केट आज के समय में अपने सुहागी में या त्योथर में डेवलप हो जाना चाहिए था। ये नेताओं का काम है कि ये करके देते हो, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ना ढंग से गाड़ियाँ आ पाती, ना कुछ हो पाता है। और हमारे इस क्षेत्र को एक बढ़िया बाजार चाहिए जो बढ़िया अच्छे से बनाया गया हो। आखिर चाक घाट को भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना, तो एक दूसरा चाक घाट बनना चाहिए जहाँ पे सब व्यापारी, जिनको त्योथर क्षेत्र के अपने जो व्यापारी हैं सबको मौका दिया जाना चाहिए दुकान लगाने का। जैसे यहाँ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए कि उस मार्केट में भी ये अपना व्यापार करें और भी लोग उसमें आ सकें और एक बढ़िया इकोसिस्टम बने। इस चीज की चाक घाट में बहुत जरूरत है। रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं कि क्या है। गाड़ी भी चला रहा हूँ और समझ में आ रहा होगा कैमरे के हिलने की उससे। एक अच्छी चीज है कि लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है ये पोल्स में। ऐसी ही लाइटिंग यहाँ से वहां तक कर दिया जाए तो हाईवे में चलने वाले लोग भी चाक घाट से गुजरना पसंद करेंगे कि चलो गुजरते हैं देखते हैं क्या है। मार्केट दिखेगा तो लोग खाने पीने के लिए भी आ जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ढाबे में नहीं खाना चाहता। तो चाक घाट के विकास के लिए ये चीजें जरूरी है, इनका किया जाना बहुत जरूरी है। मिलते हैं किसी वीडियो में। जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो बोल दिया बिना किसी लाग लपेट के। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के खिलाफ हूँ या किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो हम दिखा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिनको हमें दिखाना है, कोई ये नहीं कि कंट्रोवर्सी तैयार करनी है या ऐसा कुछ है। जिनको दिखाना है, जन प्रतिनिधियों को ये तस्वीर दिखानी है। हो सकता है कि जब वो यहाँ से गुजरते हैं तो इतने लोग आव भगत में रहते हैं कि उनको ये खराब रोड भी मजा देता होगा। उनको तो ये लगता होगा कि 1 किलोमीटर अगर उनको जाना है तो 1 लाख लोग हों ताकि 1 दिन लगे उनको निकलने में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आम जनता की तकलीफों को दिखाना चाहूंगा। इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे, बढ़िया से काम हो सकता है। जैसे देख सकते हैं जो रोड है वो भी काफी बढ़िया से चौड़ी हो सकती है और काफी बेहतर तरीके से चाक घाट मार्केट को डेवलप किया जा सकता है। बट अगर ऐसे ही सुधार नहीं हुआ तो बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में एक नया मार्केट डेवलप हो जाएगा और चाक घाट वैसे ही जैसे ओल्ड सिटी न्यू सिटी के नाम से भोपाल दिल्ली बड़े शहर जाने जाते हैं, वैसे ही हमारे चाक घाट बाजार को भी जाना जाएगा कि त्योंथर का ओल्ड बाजार, त्योंथर का न्यू बाजार। सो
तो डिसाइड करना है यहाँ के नेताओं को, यहाँ के व्यापारियों को, कि वो किस तरह का त्योहार चाहते हैं। क्या ऐसी ही वो रोड चाहते हैं, इसी तरह की रोड में व्यापार करना चाहते हैं, या एक बढ़िया स्मार्ट चाक घाट बनाना चाहते हैं जिसमें रोड चौड़ी हो, कोई बाहर का व्यक्ति आए तो उसको असुरक्षित महसूस ना हो, लाइट स्ट्रीट लाइट बढ़िया चल सके। एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करता है चाक घाट, इतना व्यापार होता है, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से लोग यहाँ आते हैं चीजें खरीदने के लिए, खाने पीने की चीजें एंजॉय करने के लिए। चाक घाट के समोसे फेमस है, मिठाइयाँ फेमस है, चाट फेमस है, वेज रोल, ये कटलेट्स जो बनाते हैं वो फेमस है। लगभग देखा जाए तो हमारे यहाँ खाने पीने की बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी चीजें हैं। वो प्रमोशन कैसे मिलेगा, कब तक चाक घाट के लोगों के ही ऊपर ये बाजार डिपेंडेंट रहेगा? ये बाजार डिपेंडेंट सिर्फ त्योहार के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, यहाँ इतना पैसा आना चाहिए कि यहाँ से पैसा गांवों तक, दिस शुड बी द सेंटर फॉर द बिजनेस। तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जिनको ये लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ वो सपोर्ट करें, और चाक घाट के व्यापारी भाई मेरे कई मित्र भी हैं, मैं उनको भी चाहता हूँ कि चाक घाट को डेवलप करने के लिए इस मुहिम में आगे आए। अब और नहीं देखा जा सकता और ना ही हम देख सकते हैं, कुछ गलत है तो वो गलत है। इस देश में इतना पैसा है कि इस तरह की गंदगी, इस तरह की चीजें यहाँ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ठीक है सब लोग आंख मूंद लिए पर सबकी आंख नहीं मूंदी, तो या तो काम करो या दूसरे को मौका दो, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। रखते हैं वीडियो, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इस मुहिम की शुरुआत हुई है तो इसका अंत भी होगा, और जो भी चाक घाट को डेवलप करेगा वाकई मैं उसको सल्यूट करूंगा और उसी को मैं रियल लीडर मानूंगा कि हाँ इस लीडर के अंदर वो ताकत है।